सबको हंसाने और गुदगुदाने वाले कपिल शर्मा ने शेयर की अपने डिप्रेशन की स्ट्रगल स्टोरी। कपिल ने बताया कि कैसे डिप्रेशन के दिनों के दौरान उन्होंने सुसाइड करने तक का मन बना लिया था। क्या है ये सारा किस्सा, बताते हैं आपको इस वीडियो में। पर बता दें कि अभी फिलहाल कपिल शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म जुगाड़ो को लेकर चर्चाओं में हैं। 17 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली इस मूवी का ट्रेलर साल 2022 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ था और अब ये फाइनली इंडिया में बड़े पर्दे पर आने को पूरी तरह से तैयार है। और इसी के प्रमोशन के दौरान एक्टर और कॉमेडियन ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया। कपिल शर्मा की बड़े पर्दे पर आखिरी फिल्म फिरंगी थी, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। और फिल्म की असफलता के बाद कॉमेडियन को लाइफ में कठिन दौर से गुजरना पड़ा। उन्होंने बताया कि इस दौरान वो डिप्रेशन में चले गए थे। हाल ही में कपिल ने उस दौर को याद किया और बताया कि कैसे वो इससे उभरे और साथ ही ये भी शेयर किया कि वो क्यों खुद की जान तक लेने वाले थे। वेल, आपको बता दें कि एक बातचीत के दौरान कपिल बताते हैं कि इतने लोगों द्वारा प्यार किए जाने के बावजूद कोई कितना अकेला हो सकता है। कपिल कहते हैं, एक पब्लिक फिगर के तौर पर करोड़ों लोग आपको जानते हैं, आप उनका मनोरंजन करते हैं, लेकिन जब आप घर आते हैं तो आप अकेले होते हैं। आप एक नॉर्मल जिंदगी जीने की स्थिति में भी नहीं है, जहां आप बाहर जा सकते हैं, समुद्र तट पर बैठ सकते हैं और समुद्र को देख सकते हैं। आप दो कमरों के फ्लैट में रहते हैं और जब शाम को बाहर अंधेरा हो जाता है तो मैं ये नहीं बता सकता कि उस सिचुएशन में कितना बुरा लगता है। कपिल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उनका मानना है कि कुछ भी स्टेबल नहीं है, ना खुशी और ना ही दुख, लेकिन उन्हें याद है कि उन्होंने अपनी फिल्म के असफल होने के बाद अपनी लाइफ का दी एंड करने का सोच लिया था और उसी स्टेप में सुसाइड करने के बारे में भी सोचा। कपिल कहते हैं, मैंने सोचा कि ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकूं। कपिल ने आगे कहा कि मैं जहां से आता हूं, मेंटल हेल्थ ऐसी चीज नहीं है जिस पर डिस्कशन किया जाए। मुझे नहीं लगता कि ये पहली बार था जब मैं इस दौर से गुजरा था। हो सकता है बचपन में मुझे लो फील हुआ हो, लेकिन किसी ने कभी नोटिस नहीं किया होगा। इसके आगे कपिल शर्मा ने कहा कि जब एक बार आप पैसे कमाने के लिए घर से निकलते हैं तो बाहर आपका ख्याल रखने, चीजों को समझाने वाला कोई नहीं होता। आप इस बात को समझ नहीं पाते कि आपके आसपास रहने वाले लोगों के क्या इरादे हैं। आप इस बात को समझ नहीं पाते कि आपके आसपास रहने वाले लोगों के क्या इरादे हैं, खासकर जब यदि आप एक कलाकार हो। लेकिन जब आप इस तरह के दौर से गुजर रहे होते हैं तो आप अपने आसपास चल रही चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। आपको सब समझ में आने लगता है, आपकी आंखें खुल जाती हैं। अगर कोई कलाकार संवेदनशील है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो बेवकूफ है। कपिल ने आगे कहा कि जब मैं उन बातों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा दौर था। इसके बाद जिंदगी फिल्टर हो गई है। अगर वो दौर नहीं आता तो मैंने जो अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना सीखा है वो सब नहीं होता। वेल दोस्तों, कपिल शर्मा को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ उतना जानते हैं जितना वो हमें हंसाते हैं, क्योंकि दिक्कतें तो सबकी लाइफ में है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।